हाय, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है ईला अनंत आचार्य। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ और आपकी दोस्त भी हूँ। स्वागत है आप सबका मेरी इस हिंदी चैनल पे, जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। और परिवर्तन एंजल बिहेवियर पे, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं ला रही हूँ इस छोटे से बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी से। इसके चैप्टर्स हिंदी में, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ और आपके लिए हिंदी में कन्वर्ट करती हूँ। तो मैंने 1 मिनट वीडियो से शुरू किया था इस चैनल पे, फिर मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया अपना एज अ रेगुलर वीडियो, फिर उसके बाद मैंने आपको 2 चैप्टर्स इसमें से बताए वीडियो के फॉर्म में, और वो भी हिंदी में। अब आज हम करेंगे उसी को कंटिन्यू। तो हमने देखा है कि हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। छोटी बुक है लेकिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, प्रिंसिपल्स है उसके अंदर। तो हमने 2 प्रिंसिपल्स देख लिए हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। तो आज है चैप्टर 3, जिसका टाइटल है ही हु कैन डू दिस हैज द होल वर्ल्ड विथ हिम हु कैन नॉट वॉक्स अ लोनली वे। मतलब इसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि इस चैप्टर में जो वो बताना चाहते हैं, अगर आप जो वो करते हैं तो आपके साथ पूरी दुनिया चलेगी, लेकिन जो अगर आप वो नहीं कर पाते तो आपको हमेशा अकेले ही चलना होगा, आपके साथ कोई नहीं होगा। उसका बेसिक मतलब ये है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके सारे जो चैप्टर्स हैं ना, इंटरलिंक होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि बेसिकली जो ह्यूमन नेचर है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसका कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्टेड होते हैं। तो उनके चैप्टर्स भी कनेक्टेड हैं और वो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से हमको बताते हैं, अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि हमें वो अच्छे से पता चले। इन पहले वो एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज़ आपको फ़िशिंग के लिए जाना है। जब आप फ़िशिंग के लिए जाते हैं तो आप उस जो फ़िशिंग रॉड है, उसके जो हुक है उस पर आप क्या लगाते हैं? मुझे पसंद है चॉकलेट, मुझे पसंद है आइसक्रीम, तो क्या मैं वो लगाऊंगी जो मुझे पसंद है? यानी कि वो हुक पे एक छोटा सा चॉकलेट लगा दूँ या छोटा सा आइसक्रीम का कुछ लगा दूँ? नहीं ना। हम क्या लगाएंगे? हम वो लगाएंगे जो फ़िश को पसंद है। फ़िश को क्या पसंद है? फ़िश को छोटे छोटे कीड़े पसंद है, छोटे से वॉर्म्स पसंद है। तो हम उस हुक पे उनका चारा डालेंगे जो फ़िश को चाहिए, मतलब जो फ़िश को पसंद है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे उन्होंने शुरू किया है, और कहना ये चाहते हैं कि हमेशा ये देखो कि आपके सामने वाले पर्सन को चाहिए क्या, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसको किस चीज़ में आप बात करेंगे या उस चीज़ के बारे में आप उनको बताएंगे तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और वो आपके साथ डील करेंगे या आपके साथ फ्रेंडशिप करेंगे या आपके साथ वो कुछ और बिजनेस के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मेन ये कहते हैं, सो द ओनली वे ऑन द अर्थ टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल इज टू टॉक अबाउट वॉट दे वॉन्ट टू शो देम हाउ टू गेट। मतलब उनको बताना, दूसरों को बताना कि उनको जो पसंद है वो आप कैसे पा सकते हो, वो वही चीज़ है, तभी वो इंटरेस्ट लेंगे आप में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बता रही हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन मैं किस चीज़ पे कंसंट्रेट कर रही हूँ कि मेरी ऑडियंस, मेरे स्टूडेंट्स को क्या चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स को चाहिए छोटी छोटी स्टोरीज जो उनको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, उनको लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करे। तभी तो आप मेरा वीडियो देखोगे, तभी तो आप मेरे पॉडकास्ट सुनोगे, वरना आपको क्या इंटरेस्ट है? आपके पास 100,000 काम है, लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं, ईला मैडम ने कुछ ऐसा टॉपिक डाला है जो मुझे काम आ सकता है, तभी आप उस वीडियो को खोलोगे, है ना। यही बात है, बिल्कुल यही बात है कि मैं ये देख रही हूँ कि आपको क्या पसंद है, और जब आपको जो पसंद है उस चीज़ को मैं अपनी तरह से, किस तरह से आपको बताऊँ ताकि मुझे तो उसका फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन आपको मेरे से भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। तो ये बात बिल्कुल याद रखना। एक एग्जांपल बताती हूँ इसका, कि एक बहुत शायद बड़े से राइटर है, राल्फ वाल्डो इमर्सन और उनका बेटा।
वो ट्राई कर रहे थे एक दिन, वो छोटा जो बेबी काउ होता है उसको, जब वो फार्म में रहते थे फार्म हाउस में, कि बेबी काउ को वो उसकी मम्मी काउ के पास लेके जाने का। लेकिन वो छोटा सा बच्चा है, वो बहुत ज़िद्दी था, वो खड़ा था वहाँ पे, उसको हिल भी नहीं रहा था बिल्कुल। तो इन्होंने सोचा, ये राल्फ ने सोचा कि चलो बेटे हम दोनों मिलके करते हैं, मतलब मैं उसको आगे से खींचता हूँ डोरी से और आप पीछे से धक्का मारना। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल, वो बहुत मतलब इधर उधर मुंह मार रहा था, कर रहा था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हिल रहा था। उसकी उनके जो मम्मा है, जो मदर काउ है, उसके पास नहीं जा रहा था। तो फिर वो उनकी जो मेड है, जो हाउस मेड थी, वो दूर से ये सब देख रही थी। तो उन्होंने क्या किया, वो जब नज़दीक आई और उन्होंने बोला मुझे दे दो ये, मैं संभालती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बेबी काउ के मुँह में छोटी सी उंगली अपनी डाली, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, उसके अभी टीथ वीथ वगैरह नहीं आए होंगे, तो उसके मुंह में वो छोटी सी उंगली डाल दी और उसको ऐसा ऐसे वो मम्मा जैसे मदर को दूध पी रहा होगा वैसे ही वो उसको सक करता 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 उसको वो खींचते हुए धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो उसकी मदर काउ के पास, वहाँ जहाँ पे सारे और काउस थे सब वहाँ पे वो लेके गए। तो कहने का मतलब है कि उस बेबी काउ को चाहिए था क्या, उसको ममाज मिल्क चाहिए था, है ना। लेकिन वो उन लोग धक्का मार के खींच के कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन उसको जो चाहिए उसको वो हाउसमेड ने अपने लॉजिक से, उसकी एक्सपीरियंस से उसको संभाल के वो उसको लेके गए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी। अब वो दूसरा ये बताते हैं, मतलब इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वॉन्ट, दूसरे पर्सन पे उस चीज़ के लिए ईगर वॉन्ट को आप प्रेरित करो कि वो उसको चाहिए वैसा उनको फील हो, ताकि जब आप उनको दे तो उसको इजीली एक्सेप्ट कर पाए। सेकंड एग्जांपल, नॉर्मली हमारे घरों में होता है कि जब छोटा बच्चा है, अब वो किंडरगार्टन जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है, वो रेडी नहीं होता, उसे अपने घर के माहौल से बाहर जाने को बिल्कुल, मतलब क्योंकि उसके एक्सपीरियंस में उसे नहीं पता कि बाहर क्या है, तो उसे डर लगता है या वो नहीं जाने के लिए तैयार होता। तो ऐसा ही छोटा सा बच्चा था टिम, तो उन्होंने बहुत ट्राई किया उसको समझाने का, डांटने का, फटकारने का कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर वो रो रहा था और वो बहुत ज़िद्द, छोटे बच्चे कितने ज़िद्दी होते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी शांति से सोचा और ये जो इनके डेल कार्नेगी की बुक के हिसाब से अप्लाई करने की कोशिश की, तो उन्होंने सोचा चलो हम उन डेल वो छोटे बच्चों टीम को क्या चाहिए, उसको चाहिए खेलना, उसको चाहिए फ्रेंड्स, उसको चाहिए खाना, उसको चाहिए मस्ती, गाना। तो उन्होंने घर पे ही छोटा सा एक एक्ट किया कि जैसे उन लोग किंडरगार्टन में सब बच्चे, मतलब उनके फादर, टीम के फादर मदर और उनके जो भाई बहन है, उन्होंने छोटा सा वो प्ले किया कि भाई वो फिंगर पेंटिंग बना रहे, राइम्स सॉन्ग कर रहे, दोस्तों को बुला रहे। तो जब वो छोटे बच्चे ने ये देखा कि यार ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है, तो फिर वो आया और उसने बोला मुझे भी ये करना है। तो फिर उन्हें फादर ने समझाया कि यही चीज़ तो करने आपको जाना है, वहाँ पे किंडरगार्टन में आप जाओगे तब बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, आपको मज़ा आएगा। तो उसको जो चाहिए था उसको मिल गया और हमको जो चाहिए था हमें मिल गया, है ना। सो इसी तरह से ये चैप्टर मैं बहुत लंबा नहीं कर रही हूँ, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, बट आई नो कि आप समझ जाओगे दो तीन एग्जाम्पल में कि कहना क्या चाहती हूँ, कि ही हु कैन डू दिस हैज द होल वर्ल्ड विथ हिम बट हु कैन नॉट वॉक्स अ लोनली वे। सो थैंक यू, और बस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इसी तरह अगर आपको कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानना है, बस बेसिकली मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, लॉ ऑफ लाइफ कोचिंग के बारे में तो करती हूँ, इंग्लिश चैनल है, इस पर भी मैं करूँगी, पहले इसकी पूरा सेशन ख़त्म हो जाए फिर सारे हिंदी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में टेक्निक्स, टिप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं लाती रहूँगी आपके सामने। सो थैंक यू सो मच और बाय।